ये बोर्ड लगा हुआ है केसकाल के लिए, यहीं से हम केसकाल के लिए रवाना करेंगे और केसकाल घाटी का नज़ारा आपको दिखाने वाला, जो बहुत ही अलग, मेरे को हमेशा जब भी मैं यहाँ आता हूँ अलग ही मस्त लगता है। आप भी नहीं आए होंगे तो एक बार ज़रूर आना केसकाल घाटी। पहले तो बहुत सकरा हुआ करता था वहाँ का रोड, मतलब जो काट के बनाया गया पहाड़ को, अभी तो चौड़ा ही हो गया है। फिर भी नाइट के टाइम वहाँ ओवरटेक करना गाड़ी बहुत ही मुश्किल है, करना ही नहीं चाहिए। यहाँ से चारा माँ का बोर्ड लगा हुआ था, यहीं से जाते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। चलो घाटी के पास, अब यहाँ से घाट स्टार्ट है, ये हटूटा बज गया कुत्ता, यहाँ से देखते हैं। यहाँ आपको ना ओवरटेक कभी नहीं करना और धीरे धीरे, जितना धीरे, ये तो मैं रिटर्न में आ रहा हूँ, मैं जाने के टाइम तो दल्ली राजरा साइड से गया था, वीडियो देखे ही होंगे बालों से जगदलपुर का। यहाँ का जो नज़ारा है देखिए, स्टार्टिंग है ये सिर्फ, आपको यहीं से आप 15-20 मिनट तो नीचे जाते ही लग जाता है घाट से ओवरटेक करना। अभी तो बहुत कलाकृति वगैरह बन गया है, देखिए कितना चौड़ा हो चुका है और यहाँ से जो व्यू आता है आपके फ़ोटो हो या वीडियो हो, बहुत ही अलग रहता है। देखना गाड़ी वगैरह बहुत आता जाता है यहाँ से, ये देखिए ट्रक ही आ रहा है। बहुत मेरे को तो डर ही लग रहा था, लेकिन नाइट में खासकर डर रहता है यहाँ से आने में। आप एक जगह है शायद रुकने लायक है, वहाँ देखते हैं। अभी थोड़ा रोड भी ख़राब हो चुका है पहले से, भाई मस्त मस्त कलाकृति किया गया है। देखते हैं आखिर और क्या क्या आगे देखने को मिलेगा। इसके पहले तो मैं करीब दिन में तो एक भी बार नहीं आया था, चौथी बार आया हूँ, लेकिन इसके बाद रात में ही आता था तो केसकाल घाटी देखने को नहीं मिला था। देखिए एक यहाँ डबल एक साथ गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, बड़ी गाड़ियाँ तो चलना इम्पॉसिबल है। लिखा है घाट बढ़ते, ऐसा कर कुछ लिखा हुआ था, दिखा नहीं उतना अच्छा क्लियर। यहाँ से मैं थोड़ा रुकता हूँ, यहाँ देखिए बहुत गाड़ियाँ चल ही रहा है, आगे देखते हैं और क्या है। मेरे को थोड़ा अच्छा लगा यहाँ पास पेड़ पर रुकने के बाद। ये देखिए सामने लिखा हुआ है, बहुत कुछ यहाँ लिखा हुआ, घाट वाट से यहाँ देखिए गाड़ी बहुत ढूल रहा है। यहाँ अगर नहीं आए होंगे तो आप ज़रूर आना, और आप कमेंट किए थे कि आप आते हो इतने दूर बाइक से आए हो क्या। हाँ हाँ मैं भाई बाइक से आया हूँ और बाइक ने भी साथ दे दिया, इतना दूर करीब मैं 500-600 किलोमीटर गया था। यहाँ से रिटर्न में यह वीडियो केसकाल का बना रहा हूँ। यहाँ का घाटी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जब भी आप आओ तो यहाँ ज़रूर आइए जा, क्योंकि ये अलग ही यहाँ का व्यू रहता है, जो मतलब पूरा मन को शांति बोलते हैं ना कोरोना काल में। यहाँ जैसे आप जंगल एरिया में जाओगे तो पूरा मन शांत, डिप्रेशन से सब हट जाता है। ये बड़ी गाड़ी आ रही है, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, चलो चलते हैं देखते हैं। ये रिनॉल्ट की कार आ रही है, आगे शायद बंदर वगैरह भी देखने को तो मिला नहीं है, मिलेगा कि नहीं देखते हैं। खास कर बंदर बहुत डेंजर लगते हैं मेरे को तो। और आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, रोड तो अच्छा ढलान है, लेकिन जब इधर ही से आप जब जाओगे कोंडा गांव के लिए जगदलपुर, तो चढ़ना गाड़ी में बहुत मुश्किल होता है। अभी थोड़ा मंदिर यहाँ का ओपन है कि नहीं, खुला हुआ है कि नहीं देखते हैं, कोरोना काल में खुला होगा तो ज़रूर रुकूंगा मैं। देखिए क्या क्या नज़ारा है, मैं आपको इसलिए स्पीड करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि केस काल का वीडियो आपको पूरा देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है रुकने का शायद जगह, यहीं रुकता हूँ थोड़ा, देखते हैं यहाँ शायद रुके हुए हैं कुछ भाइयों। ये ट्रैक्टर चढ़ रहा है, भाई लोग देख रहे हैं, मस्त लग रहा है यहाँ का नज़ारा। देखिए चलते हैं अब आगे, ये है थोड़ा स्पीड में चला रहा हूँ मैं, अब थोड़ा अभी थोड़ा गाड़ी वगैरह नहीं आ रहा है इसलिए। नज़र हटी दुर्घटना घटी, बोर्ड लगा हुआ है और ये सही है, देखिए नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ से देखा जाए अभी तक बंदर मेरे को मिला नहीं, थोड़ा गाड़ी आ रहा है इधर शायद, नीचे ही है मंदिर जस्ट, वहाँ से मैं जब खड़ा हुआ था तो नीचे का दृश्य देखने को मिला।
भाई देख, चढ़ता नहीं है यहाँ से बाइक आप चलाओगे तो। नाइट में तो और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती, लाइट नहीं है एक भी जगह, बहुत प्रॉब्लम होता है। ये देखते हैं का जो पेड़ वेड़ है, इतना हाइटेड रहता है कि अच्छा ही लगता है, वह विदेश जैसा सीन है पूरा। छत्तीसगढ़ में भी बहुत घूमने का जगह है, अगर आप नहीं घूमे होंगे तो ज़रूर घूम लेना। सामने मंदिर दिख रहा है और ये रॉयल का बस आ रहा है, देखते हैं क्या है, मंदिर खुला है कि नहीं है। ये कोरोना काल में बहुत कुछ बदल गया। ये देखते हैं ये ट्रक रुका हुआ है कि आ रहा है, नहीं, आ रहा है, आ रहा है, लग रहा है धीरे धीरे चल रहा है। मंदिर बंद है भाइयों, तो अपन यहाँ से रुकने से कोई मतलब, तो अपन निकलते हैं बंदर बंदर, देखते हैं और मिलता है कि नहीं है। लेकिन थोड़ा रुको तो अच्छा ही लगता है, मैं 2 मिनट के लिए रुका हुआ था, लेकिन मंदिर बंद था तो फिर वीडियो ऐसे ही बंद था, गेट वेट सब बंद था, लॉक था। आगे और क्या लिखा हुआ है, संपर्क रहें, सुरक्षित रहें, ऐसे ही लिखा है। देखते हैं भाई लोग रुके हुए हैं फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए। क्या नज़ारा है भाई, मज़ा ही आ गया। बंदर भाग रहे हैं यहाँ से बस जा रहे हैं नीचे, बंदर भाग रहे हैं, मिल ही गए आखिर बंदर। चलो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, वहाँ थोड़ा देर के लिए रुका हुआ था, वीडियो में देख लेना कि यहाँ का नज़ारा कैसा लगा, आप ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। और देखते हैं और कितना दूर बचा हुआ है नीचे जाने के लिए, यहाँ से और ढुलाव है, ढलान बहुत ही ज़्यादा है। ये घाट कैसे रोड बनाया गया होगा काट कर, ये बंदर लोग वाह मस्त छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत इन लोग शरारती करते हैं। जय बजरंगबली। ये अपना जो इधर दिखते हैं हमारे घर से गांव साइड थोड़ा तो नॉर्मल रहता है, ये जंगली बंदर है। यहाँ आपको रंग बिरंगी तितली देखने को भी मिलेगा, अलग अलग, आप नाइट में आओगे तो इधर कुछ ना कुछ जानवर देखने को मिलेगा ही जंगली। यहाँ से थोड़ा ट्रेलर लाइन लगेगा लग रहा है, देखते हैं अपने को जल्दी जाने मिलता है कि नहीं। ओ बाप रे, देखो ऐसा लाइन लगता है, लाइन से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं कार वाला, निकल पाएगा कि नहीं। ऐसी लाइट में पहले, और ये तो अभी ओवरटेक करने का भी जगह नहीं था पहले, वो निकल ही गया वो। देखते हैं अपने को निकलने को मिलता है कि नहीं। यहाँ से लोडिंग गाड़ियाँ ज़्यादा जाता है, बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह, देखते हैं मिलता है, जल्दी निकल जाए अच्छा होगा। ये ट्रक रुका हुआ है, कुछ हो गया है शायद, यहाँ कांच वगैरह गिर गया है गाड़ी का। देखो कितना बहुत ही दिक्कत होता है ओ भाई साहब, और दिक्कत है, रायपुर का गाड़ी है ये, रायपुर जाएगा शायद तक। अब आखिर हमको निकलने को मिलेगा, ये देखिए ट्रेलर कितना, यहाँ से मोड़ है करके निकलने को मिल रहा है, क्योंकि चौड़ा है मोड़ के पास, बड़े बड़े ट्रेलर्स नहीं मोड़ पाते इसलिए चौड़ा किया गया है। अब यहाँ से नीचे चलते हैं और कितना दूर बचा हुआ है पता लग जाएगा कि यहाँ ये बाइक वाला मेरे को ही ओवरटेक कर गया देखते हैं और कितना मज़ा आता है इस घाटी में, कितना दूर, शायद थोड़ा ही बचा होगा और, क्योंकि लगभग यहाँ से ऊपर से हमको 15-20 मिनट हो गए आते आते। क्या नज़ारा है भाई, ऑसम। यहाँ देखते हैं ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा चलता है इधर, ये बंदर भाई लोग फिर सामने में, जय बजरंग बली। यहाँ से सामने मोड़ है, ये ट्रेलर आ रहा है एक के बाद दो, देखते हैं यहाँ और एक ट्रेलर कार आ गया फिर से। यहाँ का नज़ारा बहुत मज़ा आ रहा है, यह करीब ना आपको 10-12 किलोमीटर तो होगा ही लगता है मेरे अनुमान से, एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकता,
शायद लास्ट आ गया है ये घाटी। अब देखते हैं कितना और बचा हुआ है। आपको यहाँ ज़रूर मज़ा आया होगा और आपको ये पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर देना और शेयर कर देना। जो छत्तीसगढ़ से बाहर से भी होंगे उनको पता लगे कि यहाँ भी ऐसा ऐसा घूमने का जगह है। इधर और कुछ लिखा हुआ है, ये शायद लास्ट है घाटी। हाँ यही है लास्ट है। अपन यहाँ से चौड़े तो आपको पसंद आया होगा। तो चलो अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूँ। और आशा होगा आप गाड़ी देख रहे होंगे सेकेंड हैंड, तो सेकेंड हैंड ज़रूर देख लेना। बहुत सारा गाड़ी दिखाता हूँ अलग अलग, तो पूरा ज़रूर देख लेना। तो यही था लास्ट है।